गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 16 मेंसुरेशन. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट पैरीमीटर. व्हाट इज पैरीमीटर? पैरीमीटर इज ऑफ ए क्लोज्ड फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री. पैरीमीटर क्या होता है? किसी भी फिगर की बाउंड्रीज का सम होता है. लाइक पैरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ. ये फॉर्मूला होता है लेंथ एंड ब्रीथ. टू साइड्स इक्वल होती है रेक्टेंगल में. सो टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ. देन पैरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाई साइड. पैरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, सो इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 साइड्स इक्वल होती है, सो 3 मल्टीप्लाई साइड. पैरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज 5 मल्टीप्लाई साइड. एंड पैरीमीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज 6 मल्टीप्लाई साइड. Now exercise 16.1 question number 1. Find the perimeter of each of the following figures. So यहाँ हमें इन figures के perimeter find out करना है. So हम इनकी boundaries का sum करके इनके perimeter को find out करेंगे. Then second question में क्या करना है? Find the perimeter of each of the following shapes. So यहाँ जो shape है, first equilateral triangle of side 13 cm. So साइड 13 cm है, तो देन पैरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला 3 मल्टीप्लाई साइड होता है. सो साइड इज 13 13, 39 cm हो जाएगा ये. देन आइसोसेलिस ट्राइंगल विथ इक्वल साइड्स 11 cm, थर्ड साइड इज 8 cm. आइसोसेलिस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती है. सो जो इक्वल साइड्स हैं उनका मेजरमेंट 11 है, एंड जो थर्ड साइड होगी उसका मेजरमेंट 8 होगा. थर्ड साइड यहाँ होगी एंड इक्वल साइड्स यहाँ. सो 11 11 एंड 8. सो इनका पैरीमीटर सम करके 30 cm हो जाएगा. देन क्वेश्चन नंबर 3. ए पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 48 cm लॉन्ग. सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द साइड इफ द स्ट्रिंग इज यूज टू फॉर्म अ स्क्वायर, अन इक्विलेटरल ट्राइंगल, अ रेगुलर हेक्सागन. सो स्ट्रिंग जो है वो 48 cm लॉन्ग है, तो देन इससे हम क्या बना रहे हैं? इसको फॉर्म करके इससे हम स्क्वायर बनाएंगे. तो स्क्वायर की साइड क्या हो जाएगी? तो 48 cm जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ है. तो इसको जब फॉर्म करेंगे, स्क्वायर फॉर्म करेंगे, तो साइड हो जाएगी 48. इनका सम है तो साइड हो जाएगी 48 को 4 से डिवाइड करेंगे. यहाँ हमें साइड फाइंड आउट करनी हो रही है. 48 cm पैरीमीटर है. सो इस तरह से करेंगे साइड का फॉर्मूला, पैरीमीटर डिवाइड बाय 4, एंड 48 cm डिवाइड बाय 4 इजिकल्स टू 12 cm. सिमिलरली इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो पैरीमीटर डिवाइड बाय 3, 16 cm. रेगुलर हेक्सागन फॉर्म करना है तो पैरीमीटर डिवाइड बाय 6 करेंगे, एंड 48 डिवाइड बाय 6 का आंसर 8 cm आएगा. देन फोर्थ क्वेश्चन. फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पैरीमीटर इज. सो सिमिलरली यहाँ स्क्वायर की साइड फाइंड आउट करनी, तो पैरीमीटर डिवाइड बाय 4 है फॉर्मूला इसका. एंड इस तरह से इनकी साइड्स को हम फाइंड आउट करेंगे. लाइक पैरीमीटर 76 है, तो साइड का फॉर्मूला पैरीमीटर डिवाइड बाय 4, 76 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 19 cm. देन फिफ्थ. द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 82 m. इफ इट्स पैरीमीटर इज 248 m, देन वॉट इज ब्रीथ? रेक्टेंगल की लेंथ गिवन है हमें 82, एंड पैरीमीटर इनका 248 है. सो ब्रीथ को फाइंड आउट करना है हमें. सो इस तरह से सॉल्व करेंगे. पैरीमीटर इक्वल्स टू 2 × l + b. पैरीमीटर इज 248 m, 2 × length इज 82 m, एंड ब्रीथ हमें फाइंड आउट करनी है. सो 248 को 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे इसको, एंड 82 m प्लस ब्रीथ. नाउ 248 का हाफ होता है 2 से डिवाइड करेंगे, तो 124 m इक्वल्स टू 82 m प्लस ब्रीथ. सो ब्रीथ इज 124 में से हम लेंथ 82 को माइनस करेंगे, तो 42 m इसका आंसर है. देन क्वेश्चन नंबर 6. टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 18 cm एंड 13 cm. द पैरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 42 cm. फाइंड द थर्ड साइड. ट्राइंगल की टू साइड्स है जिनका मेजरमेंट 18 एंड 13 है, और ट्राइंगल का पैरीमीटर गिवन है 42 cm. सो तीनों साइड्स ए प्लस बी प्लस सी, 18 + 13 = 31 cm. तो देन थर्ड साइड हो जाएगी पैरीमीटर, 42 में से 31 को माइनस करके 11 cm. देन सेवन क्वेश्चन. ए टेबल टॉप मेजर्स 2 m 15 cm बाय 1 m 25 cm. सो व्हाट इज द पैरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप? पैरीमीटर फाइंड आउट करना है.
2 मीटर 15 सेंटीमीटर है, सो ये हो जाएगा 2.15 मीटर। इनको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 2.15 मीटर एंड 1.25 मीटर। देन अब क्या करते हैं, पेरीमीटर के लिए लेंथ एंड ब्रीथ का सम, सो इनका सम हो जाएगा 3.40 मीटर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.80 पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप। देन क्वेश्चन नंबर 8, द डायमेंशन ऑफ अ फोटोग्राफ इज 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर, सो वॉट लेंथ ऑफ वुडन फ्रेम इज नीडेड टू फ्रेम द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ के डायमेंशंस गिवन है और हमें इसकी वुडन फ्रेम करवानी है, सो क्या लेंथ होगी, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोटोग्राफ की फ्रेमिंग करवानी है तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री, सो पेरीमीटर को हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ लेंथ इज 25 एंड ब्रीथ इज 12 सेंटीमीटर है, सो पेरीमीटर ऑफ द फोटोग्राफ 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ, 25 प्लस 12 मल्टीप्लाई 2, 37 to 74 सेंटीमीटर फोटोग्राफ का पेरीमीटर है। सो जो फोटोग्राफ का पेरीमीटर है वो ही हमारी हो जाएगी लेंथ ऑफ द वुडन फ्रेम, वुडन फ्रेम की लेंथ 74 सेंटीमीटर। देन 9th क्वेश्चन, पेरीमीटर फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 175 मीटर एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर मीटर। यहाँ स्क्वायर पार्क की साइड 175 है, सो क्या करेंगे, उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज जो फेंसिंग करवानी है वो बाउंड्रीज पर होगी, तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पार्क 4 मल्टीप्लाई साइड 4 मल्टीप्लाई 175, सो 700 मीटर। नाउ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ₹20 पर मीटर, सो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या हो जाएगी, जो पेरीमीटर है उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड आंसर इज ₹14,000। देन 10th क्वेश्चन, फॉर रेगुलर हेक्सागनर ड्रोन सो एज टू फॉर्म द डिजाइंस इज शोन इन द फिगर इफ द पेरीमीटर ऑफ द डिजाइन इज 28 सेंटीमीटर, सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द हेक्सागन। सो यहाँ 4 हेक्सागन बने हुए, इनकी हमें साइड फाइंड आउट करनी है और डिज़ाइन का पेरीमीटर हमें गिवन है, सो इस डिज़ाइन में बाउंड्रीज में साइड्स कितनी, हम उनको काउंट करेंगे, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, सो नंबर ऑफ साइड्स जो हैं बाउंड्रीज पर वो 14 है एंड इनका पेरीमीटर 28 सेंटीमीटर है, सो पेरीमीटर 28 है एंड नंबर ऑफ साइड्स 14 है, सो 28 को 14 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ईच साइड का मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। देन ईच साइड 2 सेंटीमीटर की है, सो जो बाउंड्री की साइड है वो ही हेक्सागन की सारी साइड्स होगी, तो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द हेक्सागन इज 2 सेंटीमीटर। देन 11th क्वेश्चन, प्रवीण रन्स अराउंड अ स्क्वायर ऑफ साइड 40 मीटर, नवीन रन्स अराउंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 45 मीटर एंड ब्रीथ 40 मीटर, हु कवर्स मोर डिस्टेंस बाय हाउ मच। प्रवीण स्क्वायर पार्क के राउंड लगाता है जिसकी साइड 40 मीटर है एंड नवीन रेक्टेंगुलर पार्क की जिसकी लेंथ 45 मीटर एंड ब्रीथ 40 मीटर है, सो किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, तो हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, साइड 40 मीटर है, सो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पार्क 4 मल्टीप्लाई साइड होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, सो 4 मल्टीप्लाई साइड 4 मल्टीप्लाई 40, 160 मीटर, सो प्रवीण ने इतना कवर्स किया है, स्क्वायर पार्क के राउंड लगा रहा है तो वो 160 मीटर। देन लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एंड ब्रीथ गिवन है, पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, सो 2 मल्टीप्लाई l प्लस b, लेंथ इज 45 मीटर एंड ब्रीथ इज 40 मीटर, सो इनका सम हो जाएगा 85 मीटर एंड 85 to 170 मीटर, सो ये पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल है, सो नवीन ने इतना कवर्स किया है 170 मीटर। नाउ प्रवीण कवर्स 160 एंड नवीन, सो नवीन कवर्स मोर डिस्टेंस बाय एंड डिस्टेंस कितना है, 170 माइनस 160 10 मीटर। देन क्वेश्चन नंबर 12, ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर 0.5 किलोमीटर बाय 0.3 किलोमीटर, ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विथ 3 रोज ऑफ वायर, सो वॉट इज़ दी लेंथ ऑफ द वायर नीडेड। रेक्टेंगुलर लैंड की का जो पीस है वो किलोमीटर में है, सो इनको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 0.5, 500 मीटर एंड 300 मीटर। नाउ यहाँ हमें फेंसिंग करवानी 3 रोज ऑफ द वायर से, तो पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे इसका, इस तरह से सॉल्व करेंगे, लेंथ ऑफ द लैंड एंड ब्रीथ ऑफ द लैंड, देन पेरीमीटर 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी,
एल इज 500 मीटर प्लस 300 मीटर, 800 मीटर मल्टीप्लाई टू 1600 मीटर लैंड का पैरीमीटर। सो ईच साइड ऑफ द लैंड इज़ टू बी फेंस्ड विथ 3 रोज ऑफ वायर। सो टोटल लेंथ ऑफ द वायर नीडेड, वायर की जो टोटल लेंथ हमें नीड होगी वो 1600 मीटर पैरीमीटर है। सो पैरीमीटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 4800 मीटर मीन्स 4 किलोमीटर 800 मीटर। देन 3 स्क्वायर्स आर जॉइंड टुगेदर इज शोन इन द फिगर, देयर साइड्स आर 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द पैरीमीटर ऑफ द फिगर, हमें इसका पैरीमीटर फाइंड आउट करना है। सो हम ओनली बाउंड्रीज की साइड्स को चेक करेंगे। सो ये स्क्वायर जो है मिड वाला, उसकी साइड 10 सेंटीमीटर है एंड दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 3। सो ये 4 है तो देन ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। नाउ ये वाली साइड, क्योंकि ये पूरा टोटल 10 है, सो यहाँ तक 4 है। सो 10 माइनस 4 ये लेंथ हो जाएगी 6, देन फिर ये 10, नाउ ये 3 है, सो देन 3 एंड 3। नाउ ये वाली साइड टोटल 10 है, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7। सो बाउंड्रीज की साइड से 4 4 4 6 10 7 3 3 3 एंड 10, इनका सम करेंगे हम तो पैरीमीटर हो जाएगा 54 सेंटीमीटर। देन 14, फेंसिंग द कंपाउंड ऑफ द हाउस कॉस्ट ₹4930 इफ द रेट इज 85 रुपीज़ पर मीटर। फाइंड द पैरीमीटर ऑफ द कंपाउंड इफ ब्रीथ इज 10 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ। हमें टोटल कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग गिवन है और रेट गिवन है। सो टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड करेंगे तो फाइंड आउट होगा हमें पैरीमीटर, बिकॉज पैरीमीटर पर रेट अप्लाई करके हम टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। सो टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड करेंगे इस तरह से एंड पैरीमीटर इनका आएगा रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल 58 मीटर। नाउ ब्रीथ क्वेश्चन में गिवन है, लेंथ को फाइंड आउट करना है। सो फॉर्मूले में पुट करेंगे, 58 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 29 मीटर एंड ब्रीथ 10 मीटर है। सो लेंथ हो जाएगी 29 माइनस 10 19 मीटर। देन 15, इन द गिवन फिगर बी सी ई एफ इज़ अ स्क्वायर एंड ट्राइंगल ए बी एफ एंड ट्राइंगल सी डी ई आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो फाइंड द पैरीमीटर ऑफ द फिगर ए बी सी डी ई एफ। सो इनका पैरीमीटर फाइंड आउट करना है तो हमें बाउंड्रीज का ही सम करना है। सो स्क्वायर की साइड 6 है तो देन स्क्वायर की ये वाली साइड भी 6 होगी और ये साइड 6 होगी तो ये शेप क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो ये दोनों साइड्स भी इनकी 6 हो जाएगी। सिमिलरली 6 सेंटीमीटर एंड ये भी 6 ही है तो ये दोनों भी बाउंड्रीज की साइड 6 हो जाएगी। नाउ पैरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम ओनली बाउंड्रीज की साइड्स को ही ऐड करते हैं। सो 6 6 6 एंड 6 6 और 6, इन दोनों साइड्स को हम काउंट नहीं करेंगे और फिर पैरीमीटर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। सो 6 6 36 सेंटीमीटर।